लास्ट क्लास में मैंने कहा था, क्या कहा था, इसी भी डिस्कशन के लिए बोला था शायद, है ना? सर लाइव हो डाउट्स? यस सर। हाँ सर, फटाफट क्वेश्चन नंबर बोलते चलो। 23 23 और 28 28 और 30 30 या 13, क्या बोल रहे हो? 30 30 और 31। कौन सा बेटा? 31 और 4 और 21 द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ये आदमी यहां पर मान लो फोर्स एफ लगा रहा है, ठीक है, तो यही टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, आया ना? हाँ सर। अब इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो मैन का खुद का वेट कैपिटल एमजी नीचे, ये अगर स्ट्रिंग को एफ फोर्स से नीचे पुल कर रहा है तो स्ट्रिंग इसको एफ फोर्स से ऊपर पुल कर रहा है ना, और प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लगा रहा है। प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, प्लेटफॉर्म पर एफ फोर्स इधर लग रहा है, प्लेटफॉर्म का खुद का वेट स्मॉल एम जी नीचे लग रहा है, प्लेटफॉर्म आदमी पर एन ऊपर लगा रहा है तो आदमी प्लेटफॉर्म पर उतना ही एन नीचे लगाएगा, आया ना? हाँ सर। और ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, है ना? इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, यस सर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कुछ प्रॉब्लम है बोलो। नहीं सर। सो
सो इस प्लेटफॉर्म को नहीं मूव करने के लिए फोर्स एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, आया ना? हाँ सर. दैट इज इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड. That is, it should be less than equal to mu times capital N plus a small mg. Yes, sir. It should be less than equal to mu times capital N को लिखेंगे, capital mg minus F लिखेंगे. हाँ सर. यहाँ से मैन के इक्विलिब्रियम से दिख सकते हैं ना, F plus N is capital mg. So N is capital mg minus F. आई बात समझ में? हाँ सर. यस सर. तो यहाँ पर जो N plus small mg है उसमें N यहाँ से वैल्यू पुट किया. So this should be less than equal to mu g capital M plus small m. इस F को इधर ले गए तो 1 plus mu हो गया, आया ना? हाँ सर. सो एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू लेस देन इक्वल टू, यही मैक्सिमम फोर्स है. आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर. जल्दी कॉपी करो. नेक्स्ट इज 23. कॉपी करो तब तक क्या क्वेश्चन देखो. डन सर. हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर. नेक्स्ट find acceleration a1 a2 a3 of three block as shown in figure. Horizontal force F is applied on 2 kg 3 kg 7 kg. तीनों बताना है मुझे. सर एक बताएंगे तो शायद से बाकी सब हो जाए. देखते हैं सर. वो पहला वाला मुझसे नहीं हो रहा था, बाकी तो हो गया. सब देखते हैं. फर्स्ट वाला देखो, तीनों करेंगे, अभी करेंगे, घबराओ मत. ये 2 केजी है, ये 3 केजी है. और ये 7 केजी है.
ठीक है। देखो फोर्स लगा 3 kg वाले पर, सॉरी 2 kg वाले पर फर्स्ट में लगा है ना सर। जो भी तो यहां फोर्स लगा 10 न्यूटन। इसका खुद का वेट होगा 20 न्यूटन। यस सर। और नीचे वाला ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लगाएगा। हाँ सर। यहाँ पर N1 और 3 kg मिला के 50 न्यूटन होगा। यस सर। और ये N2 इधर लगेगा, इस पर N2 और 7 kg मिला के 12 kg, तो 120 न्यूटन होगा। और ग्राउंड का N3 छोटा छोटा हो गया, उल्टा ये N2 हुआ और ये N3 हुआ। N2 की वैल्यू हो गई 30 + 20, 50 न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रिक्शन की कहानी देखो, नीचे 3 kg वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन 1 ही आगे ले जाएगा, तो फ्रिक्शन 1 यहां लगेगा और यहां फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा। यस सर। अच्छा, फिर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा, तो फ्रिक्शन 2 यहां लगेगा और फ्रिक्शन 2 यहां लगेगा। ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 0.2 × 20, दैट इज 4 न्यूटन। यस सर। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 50 × 0.3, 15 न्यूटन। हाँ सर। तो हम मान लेते हैं कि तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं अपने मन से, तो हम क्या लिखेंगे 10। अच्छा एक चीज और बताओ, या चलो लिखता हूँ, लिख देता हूँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 10 − friction 1 = 2a, friction 1 − friction 2 is 3a, and friction 2 is 7a। ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10 = 12a, सो a इज 10/12, दैट इज 5/6 m/s². इस a को यहां पुट कर देते हैं तो मुझे फ्रिक्शन 2 कितना मिलेगा? 35/6, विच इज लेस देन 15 न्यूटन। चलेगा। इसको यहां पुट कर देते हैं, फ्रिक्शन 1 कितना मिल जाएगा मुझे? 10 − 2a, 50/6 होगा। क्या बोल रहे हो? 50/6 होगा। फ्रिक्शन 1 बता रहे हो?
हाँ सर तो 50/6 मतलब 4 से तो ज्यादा हो गया 25/3 नॉट पॉसिबल 4 से ज्यादा हो गया मतलब ये पॉसिबल नहीं है ये बात समझ आई हाँ सर हाँ सर तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाला 3 kg और 7 kg वाला साथ में रहेगा और 2 kg वाला सेपरेट हो जाएगा है ना हाँ सर हेंस कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी कौन बार बार ये 3 kg 7 kg करेगा ए बी सी हेंस ब्लॉक बी एंड सी विल मूव टूगेदर बट ए स्लिप्स ओवर बी होगा होगा ऐसा हाँ सर अब ए के लिए लिख देते हैं 10 माइनस फ्रिक्शन 1 तो 4 लगेगा है ना जब डिसाइड हो गया कि स्लिप होगा तो 4 लगेगा हाँ सर तो ए 1 की वैल्यू हो गई 3 m/s² यस सर नीचे वाला दोनों अगर साथ साथ चल रहा है तो 4 - friction 2 = 3a एंड friction 2 = 7a ठीक है आया ना हाँ सर हाँ सर 4 = 2/5 तो a = 0.4 फिर इस a को पुट करके देखते हैं यहाँ पर तो फ्रिक्शन 2 कितना हो गया 2.8 newton चलेगा चलेगा ना यस सर तो मेरा क्या हो गया a1 3 m/s² एंड a2 = a3 = 0.4 m/s² समझ आया यस सर इसको कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लो और बी और सी एक बार पहले से घर में किया है फिर भी जैसे मैंने किया उस तरह से बी और सी एक बार करके बताओ मुझे सब लोग ठीक है ए कॉपी करो और बी और सी अभी के अभी आंसर करके बताओ और कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछो
हो गया सर। हो गया, बी और सी दोनों कर लिए। हाँ सर। वेरी गुड, किसी को कुछ पूछना है? बी और सी में किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ये था 23rd। बताया तो आगे 28 ये सब। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें एक 3 ब्लॉक के तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए होगे। हाँ सर। 3 ब्लॉक का एक यही क्वेश्चन किया है या और भी किया है? एक ही किया। और उसमें भी क्या है, ये आसान है। आसान इसलिए क्योंकि नीचे इसमें फ्रिक्शन नहीं है, समझ रहे हो? तो yes, sir. एक 3 ब्लॉक का क्वेश्चन मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें करा दूं, जिसमें मतलब सारी पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक 3 ब्लॉक का क्वेश्चन देता हूं, उसमें 3 ब्लॉक से रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया क्योंकि लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन नहीं था, समझ रहे हो इस बात को? बोलो। हाँ सर। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, 3 ब्लॉक का ही अपने साइड से, जरा सा इस पर दिमाग लगाओ। ये ऑप्शन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, समझ रहे हो? बोलो। यस। उसको जरा कोशिश करो, बाकी वो डाउट तो बता दूंगा, आसान ही होगा। पहले इसको कोशिश करो।
हुआ कुछ? बोलो, कोई कुछ तो बोलो। चलो देखो इधर, किसी को कुछ आंसर आया तो बोलो। दूसरे वाले का 20 न्यूटन है, पहले वाले का 10 न्यूटन है। अच्छा आंसर देता हूँ, आंसर देता हूँ। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट का 10 न्यूटन। हाँ सर, पर सही है कि नहीं पता। अच्छा सेकंड का क्या किसी ने कुछ बोला? 20 न्यूटन। 10 न्यूटन, 3, 2, 5। अच्छा देखता हूँ, रुक जाओ, 3, 2, 5। एक ही बार देख लेंगे, कर ही देता हूँ, उसमें पता चल जाएगा। मुझे वैल्यूज बताते चलना। फोर्थ बीच वाले पर लग रहा है, ये कितना था? 3 kg है शायद, सबसे ऊपर वाला। हाँ सर। बीच वाला 2 kg। 2 kg। नीचे वाला 5 kg। हाँ सर। थर्टी न्यूटन एन वन। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन एन टू। एन टू। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन N3। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो सर। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा? हाँ सर। यस सर। तो इस पर इधर लगेगा? हाँ सर। इसी तरह इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है? हाँ सर। तो इस पर इधर लगेगा? हाँ सर। और ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा? यस सर। फ्रिक्शन वन, म्यू वन कितना दिया है? 0.5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 न्यूटन होगी? यस सर। और फ्रिक्शन टू का 10 न्यूटन होगा मैक्सिमम। कितना दिया है म्यू? 0.2। तो ये मैक्सिमम 10 न्यूटन। हाँ सर। और फ्रिक्शन थ्री का मैक्सिमम वैल्यू? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। ठीक है। ऑप्शन ए, नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस, यही है सर? टू स्टार्ट स्लिपिंग एट एनी सरफेस। क्या? टू स्टार्ट स्लिपिंग एट एनी सरफेस। अच्छा सॉरी, टू स्टार्ट स्लिपिंग एट एनी सरफेस, ठीक है। तो देखो ऐसे समझो, ऊपर वाला इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं सर। नो। इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप एफ को कितना भी बढ़ा दो, बीच वाले का एफ एफ पर डिपेंड करेगा। यस सर। है ना, बीच वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन एफ पर डिपेंड करेगा, बट ए और सी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन को एफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हाँ सर। तो यहां से देखना, तीनों एक ही साथ सॉल्व कर देता हूं। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, पहला कंक्लूजन मेरा, इफ एक्सेलरेशन ए इज लेस देन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन ऑल थ्री आर मूविंग टुगेदर।
आया नहीं? हाँ सर हाँ सर। दूसरा कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल टू फाइव, समझ रहे हो? यस सर। इसका एक्सेलरेशन बीच वाले का वन से ज्यादा बट फाइव से छोटा या बराबर है, देन ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर। हाँ सर, सो स्लिपिंग एट सी। बट नॉट सी, है ना? हाँ सर। और थर्ड हम यहां से ये ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन 5 meter per second square देन ऑल थ्री आर मूविंग सेपरेटली। यस सर। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब फर्स्ट क्वेश्चन में, टू स्टार्ट स्लिपिंग एट एनी सरफेस, तो कॉमन सेंस से देखो। हाँ, फर्स्ट का कोई आंसर बताया था कुछ? तो अब आंसर सब आते हैं एक एक करके। कोई तो कुछ आंसर बताया था ए का? हाँ सर। क्या शायद वो गलत है? बी का भी जो बताया था आपने गलत है, और सी का तो कोई बताया नहीं। मैं चाहूंगा, अब तो मैक्सिमम काम मैंने कर दिया, एक बार और ट्राई करो। खुद से सॉल्व करोगे उसका खुशी अनपैरेलल है। कोशिश करोगे थोड़ा? यस सर। एक बार फिर से करो, क्योंकि मैं करूंगा तो अफसोस होगा कि अरे हो सकता था, पता नहीं क्यों नहीं किया।
हो गया। क्या क्या आंसर आया बताओ? 27 न्यूटन ए के लिए, बी के लिए भी 27 न्यूटन, सी के लिए 35 न्यूटन। तीनों गलत है। चलो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुझे कर लोगे। सुनो ओरली, नीचे वाला, ध्यान से सुनो जो लॉजिक बोलता हूं मैं सब। नीचे वाला ब्लॉक सी चलना शुरू होगा जब फ्रिक्शन टू की वैल्यू 5 हो, हाँ या ना? यस सर। फ्रिक्शन टू 5 से कम जब तक नहीं होगा तब तक तो कोई चलेगा ही नहीं ना। Awesome. तो फ्रिक्शन 2 5 है, फ्रिक्शन 1 साथ में चलना है, 0 भी हो सकता है, तो एफ तो मिनिमम 5 लगेगा ही लगेगा, ए का आंसर है ना। सॉल्व अगर करना है लिख के, तो अभी ऊपर तो लिख दिया 0 से 5 तक तीनों साथ साथ, 0 से 1 तक तीनों साथ साथ चलेंगे। Awesome. देखो खुद कर लोगे। तो लेट ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर, ओरली में बताया आंसर बट अब लिख के चलो। तो तीनों साथ साथ चल रहे हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन 1 ऊपर वाले का मास कितना है? 3 kg इज इक्वल टू 3a। एफ माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 कितना है? बीच वाले का मास 2a। और नीचे वाले को लिखेंगे फ्रिक्शन 2 माइनस फ्रिक्शन 3, दिस इज इक्वल टू 5a साइड। समझना ध्यान से सब लोग, इसको ऐड कर दो। सो f इज इक्वल टू फ्रिक्शन 3 प्लस 10a होगा। हाँ सर। ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। तो एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फ्रिक्शन 3 के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। आया समझ में? यस सर। ए पार्ट आया समझ में या कोई डाउट है? सर पर आपने कहा ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, राइट? हाँ। तो एक्सेलरेशन जब तक 1 से छोटा है तब तक तो सब साथ चल सकता है ना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा देखिए आप लोग। सर पर क्वेश्चन मुझे कि स्लिपिंग चालू करना। अरे हाँ रे भाई साहब, तो स्लिपिंग सबसे पहले ग्राउंड और लोअर ब्लॉक सी में होगा ना। हाँ सर। पहला स्लिपिंग वहां स्टार्ट होगा। हाँ सर। है ना, एट एनी सरफेस बोला है ना। हाँ सर। तो पहला स्लिपिंग स्टार्ट होगा सी और ग्राउंड के बीच। यस सर। टू स्टार्ट स्लिपिंग बिटवीन बी एंड सी। तो देखो ऊपर के ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि बी और सी में जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 1 m/s². यस सर। एंड स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है मतलब फ्रिक्शन 3 मैक्सिमम है 5 N, फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम है कितना? 10 N। स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो 10 N। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या होगा? फ्रिक्शन 1 इज 3a, एफ माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस 10 इज 2a, यही होगा ना। हाँ सर।
और बी और सी के बीच तो स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, तो बी और सी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, मतलब सी का एक्सेलरेशन वन हो चुका है। हाँ सर। सो एफ माइनस 10 इज इक्वल टू 5a, सो एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 5a एंड a इज ग्रेटर देन 5, सो एफ इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन। बी का आंसर आया ना? हाँ सर। सी में क्या पूछा है? बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, मतलब बी का एक्सिलरेशन, समझ रहे हो, ए और बी के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, मतलब ए का एक्सिलरेशन मैक्सिमम है 5, है ना, बी का एक्सिलरेशन ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी का एक्सिलरेशन भी अपना मैक्सिमम है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही मतलब हुआ? हाँ सर। स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू कितनी है? 15 मैक्सिमम, 15 मतलब फ्रिक्शन 1 15 है पक्के से, फ्रिक्शन 2 10 है पक्के से, और फ्रिक्शन 3 5 है पक्के से, सब जगह स्लिपिंग हो रहा है तो, और एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्रेटर देन 5 है, तो बीच वाले का फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ माइनस फ्रिक्शन 1 दैट इज 15 माइनस फ्रिक्शन 2 दैट इज 10 इज इक्वल टू, बीच वाले का मास कितना है? 2a, 2, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो f इज इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी 5 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, आई बात समझ में? हाँ। तो ग्रेटर इक्वल टू 35 न्यूटन, ये थर्ड का आंसर हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। ब्लॉक का कुछ ट्रिक है कैसे आंसर बताने की? नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस अगर और करना है तो बोलो, मैं करा दूं, और मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, खूब सारे हैं। वो 2-3 डाउट खत्म करने इसके लिए रुका हूं, नहीं तो बोलोगे तो मैं 2-4 और इसी पे प्रैक्टिस करा दूं। तो डाउट क्लियर करने के बाद करा दो ना। अच्छा, पहले इसको कॉपी तो करो, जल्दी करो। आगे बढ़ो, एक मिनट।
डन सर, हो गया। एक और प्रैक्टिस के लिए सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, इसमें तो उसमें एक ही है, एकदम सिमिलर है, इसमें बीच वाले पर फोर्स लग रहा है। एससीवी के डाउट्स के हो तो कर ही लोगे, कहीं ना कहीं कोई भी बता देगा, ये थोड़ा सा करो, ये फिर क्वेश्चन मिलते नहीं है कहीं ब्लॉक वाले। मतलब हैबिट प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि कितना भी ब्लॉक दे दे, कहीं भी फोर्स लगा दे, कुछ भी कर दे, सॉल्व करना चाहिए। इसको क्वेश्चन करो जल्दी, ये ऑप्शन है एबीसीडी। आया कुछ आंसर? सर भी आया। और किसी को उतना टाइम चाहिए? बोलो, बी करेक्ट आंसर है। चलो देखो इधर, अब क्या ऐसा बहुत क्वेश्चन कर दिए तो वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स नहीं बनाते हैं, केवल हॉरिजॉन्टल वाला ड्रॉ करते हैं ताकि टाइम बचे और आपको आइडिया लग जाए। इसे इसी में देखो, ये हो गया 12 न्यूटन, हो गया। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 1 इस पर इधर लगेगा,
इस पर इधर लगेगा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन टू इस पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा। अच्छा, ग्राउंड और इसके बीच तो फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना। बोलो तो 0.3 × 10, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन है। यस सर। 2 + 1 = 30, 30 × 0.4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है। यस सर। ये है 1 kg, यह है 2 kg, यह है 3 kg। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 m/s². ऊपर वाले का एक्सेलरेशन मैक्सिमम 3 m/s² हो सकता है ना। आया ना। यस सर। अच्छा, और अगर 3, 2, 5, 1, 6 तीनों साथ साथ चले तो एक्सेलरेशन 2 होगा। हाँ सर, तो कॉमन एक्सेलरेशन 2 होगा, पॉसिबल है। तो जो मुझे a कॉमन आ रहा है, इस a कॉमन की वैल्यू 2 m/s² आ रही है 12/6। बोलो। हाँ सर। हाँ सर, मतलब ऑल थ्री आर मूविंग टुगेदर। यस सर। क्या पूछा है? फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड। अच्छा, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो फ्रिक्शन 1 कितना हो गया, 1 × a कॉमन हो गया, दैट इज 2 न्यूटन आंसर। आया समझ में? यस सर। चलो डाउट्स पे आते हैं जरा दोबारा। 28, 30, 31। तो 28, 30, 31, 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं 30, 31 कर देता हूँ, 28 लास्ट में। 30 देखो, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, 30 में कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। एक अंक ऐसा करता हूँ, देखो ये आदमी है 40 kg का, तो इसका खुद का वेट 400 न्यूटन नीचे होगा, होगा। हाँ सर। अब ये वॉल ए को प्रेस कर रहा है, तो वॉल ए इसको उतने ही फोर्स से इधर प्रेस करेगा। यस सर। और अपने बॉटम पार्ट से बी को प्रेस कर रहा है पीछे की ओर, तो बी इसको ऊपर की ओर प्रेस करेगा, आई मीन राइट साइड में, है ना। तो हाँ सर। यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये क्या होगा, μ × nb के बराबर। और यहां पर हाथ पैर मिला के ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये μ × nA के बराबर, मैक्सिमम फ्रिक्शन यही होगा ना।
हाँ सर तो ये दोनों मिल तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये दिख रहा है कॉमन सेंस से कि एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा, क्योंकि तो राइट लेफ्ट तो कहीं जा नहीं रहा है। तो ए पार्ट प्रूव्ड हो गया, बोलो। यस सर अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 400 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन ए प्लस एन बी। है ना? यस सर और लिखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, मतलब मैक्सिमम ही है लिमिटिंग कंडीशन में। 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 2n, आया ना? हाँ सर तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 अपॉन 1.6 दैट इज 4000 अपॉन 16 दैट इज 2000 अपॉन 8 250 न्यूटन। 250 न्यूटन है। आंसर देख लेना बुक में। यस सर यस सर आया समझ में? हाँ सर जल्दी कॉपी करो। हो गया? यस सर चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 31। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ट्राई किया है घर में 31 को किसी ने? क्वेश्चन पढ़ा है घर में? हाँ सर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? जब वो m लिखा गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ तो m कैसे कितने टाइम में स्लिप करेगा पूरा? क्या करेगा? m स्मॉल m कितने टाइम में स्लिप करेगा पूरा लेंथ को? चल देखो इधर सुनो। दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन क्या है? म्यू बाई टू है ना? तो yes. इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इस पर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी बाई टू होगी, इसकी भी वैल्यू म्यू एम जी बाई टू होगी, हाँ या ना? हाँ सर। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ऐसा है ना? यस सर। अच्छा इसका नाम दे दो कुछ ए, इसका नाम दे दो बी। मैं जो पूछ रहा हूँ ये बताओ,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना है? ए माइनस ए बी। वो तो सही है। कितना? जीरो है। दोनों को सेम वेलोसिटी मिला ना? है ऐसा? हाँ सर। समझना मेरी बात। एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल लोगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लोगे या नहीं तो बोलो। सर निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकाल लोगे? हाँ सर। तो गिरने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये जब एल के बराबर हो जाएगा तो गिर जाएगा। हाँ सर। मतलब हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर इज एल। यू तो जीरो है तो टी की वैल्यू हो जाएगी टू एल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। समझ आया? यस यस सर। जल्दी से निकाल के फाइनल आंसर तक पहुंच के बताओ आया कि नहीं। सब कुछ तो मैंने कर दिया, केवल वैल्यू पुट करनी है। कोशिश कीजिए जल्दी।
सर हो गया। अभी तक किसी को आंसर नहीं आया सर। आ गया, बोला ना सर। कहाँ बोला सर? अभी आपको आपको बोला था ना सर, अभी आया। आगे बढ़ू या लिख के कर दू मैं? हाँ सर, मिल गया, मिल गया सर। मिल गया। नेक्स्ट 28 सर, ये करा सकते हो क्या? ये करा सकते हो आप? करा सकते हो मतलब नहीं आया आंसर? हाँ सर नहीं है, बोल नहीं आया। करा सकते हो क्या? ओ भाई साहब, खून पी जाऊंगा मैं तुम्हारा। इससे अच्छा बेकार इतना टाइम दिया, मुझे ही करना होता। देखो, एक्सिलरेशन ऑफ ए माइनस म्यू जी बाई टू दिख रहा है सर? वही किया मैंने। दिख रहा है कि नहीं पहले ये बता। हाँ सर। एक्सेलरेशन ऑफ बी म्यू स्मॉल एम जी बाई टू माइनस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। यस सर। होगा? हाँ सर। तो इसको यहाँ पुट कर दो। देखो सर यही किया।
ऐसा कैसे हो सकता है कि यही किया तो आंसर नहीं आया? देखो अभी आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस म्यू जी बाई टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट इज म्यू स्मॉल एम जी अपॉन टू टाइम्स कैपिटल एम प्लस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, ऐसा लिख दूं? बोलो। यस सर। नीचे से 2m एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ तो 4 कैपिटल एम एल हो गया। हाँ सर। अब नीचे देखो माइनस कैपिटल एम म्यू जी माइनस स्मॉल एम म्यू जी प्लस टू कैपिटल एम म्यू जी प्लस टू स्मॉल एम म्यू जी, ऐसा होगा? हाँ सर, तो हो गया। तो मेरा टाइम खोटी कर रहा है। सो फोर कैपिटल एम एल डिवाइडेड बाय यहाँ कैपिटल एम म्यू जी, यहाँ तुम दोनों मिला के म्यू कैपिटल एम जी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये दोनों मिला के म्यू स्मॉल एम जी हो गया, है ना? यस। है यही आंसर क्या? हाँ सर, यही है। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन, बहुत अच्छा समय, सेम क्वेश्चन इरोडोब में दिया हुआ, यही वैल्यूज यही सब कुछ वहीं से लिया है इसने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो घर में कोशिश किया सॉल्व करने का? हाँ सर किया, एक दो बार घर में ट्राई कर लिया है तभी मेरे से पूछने का मतलब है, नहीं तो क्या है मैं लिखूंगा तुम करोगे लगेगा बहुत आसान है जबकि है नहीं इतना आसान। सर किया सर, पर आंसर मुझे आया कुछ अलग, मैं बोलूं? नहीं। देखो स्मॉल एम को का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, स्मॉल एम का स्मॉल एम जी नीचे, स्मॉल एम पर कैपिटल एम नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर, स्मॉल एम पर टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा इधर, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का फ्रिक्शन होगा इधर, है ना? Awesome. अब कैपिटल एम पर देखना, कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, कैपिटल एम पर इसका खुद का वेट कैपिटल एम जी नीचे, ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर, ये वाला टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, ये दोनों मिला के टेंशन इन द स्ट्रिंग 2t इधर, ये इस पर नॉर्मल इधर लगाया तो ये इस पर उतना ही नॉर्मल इधर लगाएगा, न कम न ज्यादा, है ना? और इसका नाम फ्रिक्शन वन दे दो, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इस पर अगर ऊपर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन वन तो इस पर उतना ही फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, करेगा? यस सर। और ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन टू इधर एक्ट करेगा, करेगा?
इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m a और स्मॉल m g माइनस t माइनस फ्रिक्शन वन इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू टू a। ये बात समझ आई? वापस वापस। हाँ, ये अगर a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो ये 2a से नीचे आएगा कंस्टेंट से। यस सर। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे अगर, तो 2t माइनस फ्रिक्शन टू माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए सर फ्रिक्शन टू हर जगह। अच्छा, म्यू वन बिटवीन द ब्लॉक म्यू वन ऐसे म्यू टू, तो फ्रिक्शन टू को म्यू टू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड को लिखेंगे टी प्लस एम जी प्लस फ्रिक्शन वन लिखेंगे। यस सर। फ्रिक्शन वन को लिखेंगे म्यू वन एन। आया समझ में? तो ये छह इक्वेशन होंगे, तो पहले इसको कॉपी करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। देखने में बड़ा लग रहा है, वैसा उतना है नहीं, इसलिए क्योंकि इस n को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो फ्रिक्शन वन मिल गया, इस फ्रिक्शन वन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो ये इक्वेशन कंप्लीट हुआ। समझ रहे हो? हाँ सर। फिर इस एन जी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो फ्रिक्शन टू मिला, इस फ्रिक्शन टू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो है ना, तो करते जाओगे तो होगा। पहले कॉपी करो फिर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो।
आया कुछ? सर एक मिनट, देखो इधर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सब पुट करोगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हो गया स्मॉल एम जी माइनस टी माइनस फ्रिक्शन दैट इज म्यू वन स्मॉल एम ए इज इक्वल टू टू टाइम्स स्मॉल एम ए। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए कॉमन टू प्लस म्यू वन, ये एक इक्वेशन मिला। बोलो। यस सर। इधर से ये इक्वेशन मिला, इधर से देखो टू टी माइनस फ्रिक्शन टू, फ्रिक्शन टू का मतलब है म्यू टू एन जी, एन जी का मतलब है टी प्लस एम जी प्लस फ्रिक्शन वन विच इज म्यू वन एम ए। So, mu 1 ma minus n is capital ma, ऐसा होगा, n खुद है small ma, है ना? तो ये हो गया t, यहां भी है t, यहां भी है, तो t common 2 minus mu 2 minus म्यू टू कैपिटल एम जी माइनस म्यू वन स्मॉल एम ए माइनस स्मॉल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, ऐसा हुआ। बोलो। यस सर। हाँ यस सर, यस सर कर रहा है। यहाँ तो म्यू टू के साथ म्यू वन भी होगा ना, ऐसा होगा वन म्यू टू एम ए होगा ये। सो टी इंटू टू माइनस म्यू टू माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस म्यू वन म्यू टू स्मॉल एम। आई बात समझ में? है ना? हाँ सर। क्या निकालना है मुझे? कैपिटल एम का एक्सलेशन मतलब ए की वैल्यू। तो यहां से टी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए मिल जाएगा, मिलेगा। यहां से टी यहां करोगे तो क्या होगा, स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम ए इंटू टू प्लस म्यू वन, ये हुआ टी मल्टीप्लाइड विथ टू माइनस म्यू टू माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस म्यू वन म्यू टू स्मॉल एम। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? अब ये सब ठीक करो, ये सब क्या काम है मुझे नहीं पता, ये सब थोड़ा ठीक कर लो, जो भी होगा ये आंसर होगा। आया समझ में कुछ? हाँ सर। थोड़ा सा आंसर को ठीक ठाक करना होगा। नीचे आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस म्यू वन म्यू टू स्मॉल एम, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये भी स्मॉल एम है, ये भी स्मॉल, अरे नहीं ए का टर्म यहाँ भी है ना, ये भी उधर जाएगा। अभी उठा उठा डिनोमिनेटर एम प्लस टू न्यू वन एम प्लस फाइव एम माइनस टू न्यू टू एम होगा, मतलब यहाँ से ए का टर्म इधर भी एक है, वो भी उधर ले जाना पड़ेगा ना। हाँ सर। सो स्मॉल एम जी इंटू टू माइनस म्यू टू माइनस
small ma into 2 plus mu 1 into 2 minus mu 2 minus mu 2 capital mg is equal to a capital M plus a small m common 1 plus mu 1 mu 2. ठीक है, इसको इधर ले जाओ. तो स्मॉल एम जी इंटू टू माइनस म्यू टू माइनस कैपिटल एम जी इंटू म्यू टू, दिस इज इक्वल टू ए कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 1 प्लस म्यू 1 म्यू 2 यहाँ आया और ये भी तो इधर जाएगा, तो प्लस स्मॉल m इंटू 2 प्लस म्यू 1 इंटू 2 माइनस म्यू 2. ओह, बहुत मेहनत का काम हो गया. फाइनली आंसर इज g कॉमन 2 टाइम्स स्मॉल m माइनस 2 टाइम्स स्मॉल m म्यू 2 माइनस कैपिटल एम म्यू टू डिवाइडेड बाय दिस मच, दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. स्मॉल एम कॉमन ले लो तो 1 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस 2 प्लस म्यू 1 इंटू 2 माइनस म्यू 2. इसी को देख लेना, थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दोगे यही आपका आंसर होगा. ठीक है, म्यू वन म्यू टू का टर्म कटता हुआ मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में. चमका कुछ? हाँ सर. ठीक है, सो कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए कॉपी किया हुआ लीव कर सकते हो. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे. सर बोलो बोलो. सर पुलिस में फ्रिक्शन नहीं आएगा क्या? पुलिस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा? होगा क्यों नहीं होगा? नहीं सर, उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं क्या? अभी नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे, दो चैप्टर बाद वो भी मिलेगा. सर हाँ सर, और जेई के लिए एचसीएल में काफी है क्या, या फिर और क्या? बोल रहे हो फिर से बोलो एक बार. जेई के लिए एचसीएल में काफी है क्या? नहीं, मिनिमम है, उतना तो होना ही चाहिए. ओके सर, तो मॉड्यूल भी मॉड्यूल पूरा करो. ओके सर, मॉड्यूल करो पूरा. थैंक यू सर, बाय सर. थैंक यू सर.